छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होगी, साथ ही इसी सत्र से मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पुस्तकों का वितरण भी शुरू होगा, जिससे कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने से ग्रामीण अंचल के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है और हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू कर दिया है। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी, उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। आज हिंदी दिवस है, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है, हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या में आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी, उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी, इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी।